2019 के एक दिन एक ही जगह पर 5 करोड़ लोग जुटे। मौका था भारत का कुंभ मेला। आस्था की डुबकी लगाने के मौके को सबके लिए सुरक्षित बनाना प्रशासन की सबसे बड़ी मुश्किल होती है। अब तक जो काम कैमरों से निगरानी से किया जाता था, उसे 2025 में AI की मदद से बेहद असरदार बनाने का प्लान है। ये तो केवल एक मिसाल है जो दिखाती है कि AI कैसे हमारी जिंदगी में सुधार ला सकता है, किस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। सारी जनता से ये सोचने की अपील हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। शायद उनका इशारा टेक वर्ल्ड की उन दो सबसे शक्तिशाली हस्तियों की तरफ भी था जो भारत में ही जन्मे हैं। अरे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO। जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि AI में बहुत सारी समस्याएं सुलझाने का दम है। वो भारी भरकम आंकड़ों को इकट्ठा करने, बांटने और पैटर्न पहचान कर उनका मतलब निकालने का काम चुटकियों में कर सकता है। अगर कोई आइडिया किसी एक क्षेत्र में कारगर है तो उसे किसी दूसरे क्षेत्र की समस्या के ऊपर आजमा कर नए रास्ते खोल सकता है। संभावनाएं तो अपार हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि फिलहाल अपने रोजाना के जीवन से जुड़ी ऐसी 3 बड़ी मिसालें देखते हैं। AI मॉडल पुलिस के डेटाबेस को छानकर किसी जगह पर होने वाले आम अपराधों की सूची बना सकती है, फिर उस पर आधारित भविष्यवाणियां कर सकती है कि पैटर्न के हिसाब से अगला अपराध कब और कहां हो सकता है। इसे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं। इसमें कोई अपराध होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश की जाती है। शहर में आपराधिक अड्डों की पहचान की जा सकती है, लोगों को उनसे दूर रहने की चेतावनी दी जा सकती है। सार्वजनिक ठिकानों पर लगे कैमरों से मिलने वाले फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्ध बर्ताव करने वाले किसी इंसान पर नजर रखी जा सकती है। कुछ मामलों में उसे किसी अपराध को करने से रोका भी जा सकता है और किसी मामले में अपराध के बाद उसकी शिनाख्त की जा सकती है, यानी अपराध से मुक्ति दिलाने में इससे काफी फर्क पड़ सकता है। ट्रैफिक जाम से परेशान रहते हो तो सोचिएगा कि क्या AI का इस्तेमाल कर उसे छुटकारा नहीं पाना चाहिए। समय बचेगा और जीवन में कितनी राहत आएगी, स्मॉग भी कम होगा। उसके अलावा सड़कों पर लगे कैमरों से मिलने वाली फुटेज का एनालिसिस कर रियल टाइम ट्रैफिक जाम की हालत या एक्सीडेंट होने पर फौरन प्रतिक्रिया दे सकेंगे। शहर में जगह जगह हवा की क्वालिटी पर नजर रखने वाली डिवाइसेस लगी हों और उनसे प्रदूषण का स्तर पता लगता रहे तो पब्लिक के लिए चेतावनी जारी हो सकेगी। प्रदूषण की समस्या से तो निपटा ही जा सकेगा, शहरों की आगे की योजना बनाने में भी इससे काफी मदद मिल सकती है। कहाँ स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए और कहाँ हवा साफ करने के लिए और पेड़ लगाने की जरूरत है, सब पता लगेगा। ग्रामीण इलाकों में AI किसानों के कैसे काम आ सकता है? वो ऐसे कि AI की मदद से ये विश्लेषण कर सकते हैं कि किसी फसल के प्लांटिंग साइकिल और उस पर फर्टिलाइजर्स का कैसा असर होता है। अगर AI अच्छे से ट्रेन हो जाए तो पहले ही बता पाएगा कि उपज बढ़ाने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए। इसके अलावा मौसम के पैटर्न को देखते हुए उन्हें समय पर जानकारी दी जा सकती है, जिससे फसलें खराब होने से बचाई जा सकेंगी। AI की मदद से लोग घर बैठे बैठे बहुत कुछ नया सीख और पढ़ सकेंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों में। IT का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन AI की तरक्की से ये होगा कि किसी इंसान की सीखने की क्षमता और उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से उसे सिखाने वाले चैप्टर तैयार हो पाएंगे। ऐसे कुछ लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कुछ देशों में अभी ही होने लगा है। सोचिए, अगर इससे पढ़ाई में थोड़े कमजोर बच्चों को मदद मिल पाए और बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट होने से बचाया जा सके तो कितना अच्छा हो। और तो और, इससे टीचर्स का ऐसा काम भी बच सकता है जो उन्हें बार बार करना पड़ता है। इससे वो शायद बच्चों को और अच्छी तरह पढ़ाने में समय लगा पाएं। IT के मामले में अगुआ भारत इस समय चीन के अलावा सबसे तेजी से तकनीकी विकास कर रहे देशों में शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह देश की आम जनता से AI के इस्तेमाल के बारे में सक्रिय रूप से सोचने का आह्वान किया है, आप इसी से इस तकनीक के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि आप और हम अगले 10 सालों में अपने आसपास की कई परेशानियों और उनके समाधान में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाएंगे। अगर भारत की ही तरह दुनिया भर की सरकारें AI को गंभीरता से लें तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों इस ताकतवर टूल के केवल निजी फायदे के लिए इस्तेमाल होने के बजाय बड़े स्तर पर आम जनता को फायदा पहुंचेगा। आप इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रहे हैं, बताइएगा।